हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। आज जो मेरा DIY है, जो मेरा फेस पैक है, वो जैसा मैं आपको बताने वाली हूँ वैसा ही अगर आप यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि आपका जो स्किन है वो धीरे धीरे निखरता जाएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। और अगर आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हो और आप महंगे महंगे फेशियल वगैरह करा रहे हो, तो ये फेस पैक अगर आप वीक में 3 बार यूज़ करते हो, अगर आपकी शादी है या किसी की शादी में जाने वाले हो और आप महंगे फेशियल नहीं करा सकते हो, तो आप 15 दिन पहले से या 1 हफ्ते पहले से ये यूज़ करना शुरू कर दीजिए। हफ्ते में 3 बार 4 बार यूज़ कर सकते हैं आप इजीली। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपके स्किन का जो कलर है ना, आपके स्किन में जो निखार आएगा वो बिल्कुल दुल्हन जैसा निखार आएगा। जैसे कि दुल्हन को हम फेशियल कराते हैं या बहुत सारी चीज़ें कि मतलब दुल्हन एकदम ब्राइट दिखे, एकदम खूबसूरत दिखे, तो सेम आपके चेहरे पर भी वही ग्लो नज़र आएगा जो दुल्हन के चेहरे पर नज़र आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा है और लोगों को ऐसे फेस पैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ कि वो कौन सा फेस पैक है। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, मुल्तानी मिट्टी में कुछ ऐसा मिक्स करना है जिससे आपके स्किन पे गोल्डन ग्लो निखार आएगा। तो संतरा, जो ऑरेंज होता है उसका जो छिलका होता है वो बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। संतरे से ज़्यादा विटामिन जो होता है, विटामिन सी, वो संतरे के छिलके में होता है। और विटामिन सी जो होता है वो आपकी स्किन के लिए तो रामबाण है। तो यहाँ पे आपको जो मैं फेस पैक बताने वाली हूँ बस यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें एक बाउल और एक चम्मच। तो इसी चम्मच की हेल्प से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और इसी चम्मच से मैं ले रही हूँ 1 चम्मच, ये है ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि संतरे के छिलके का पाउडर। ये देखिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर 1 चम्मच से मिक्स नहीं होता तो आप दही ज्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ा ध्यान से मिक्स करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये पाउडर है। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें दही में और ऐड कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे क्या करना है, अब इसे आपको अपने पूरे फेस पे लगा लेना है अच्छे तरीके से। ये आपकी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही साथ अगर चेहरे पे किसी तरह के मुहासे हो रहे हैं ना तो मुहासों को भी ठीक करता है, साथ ही अगर आपके ऑयली स्किन है तो ऑयल को भी रिमूव करता है। अगर आपके स्किन पे मुहासे निकल रहे होंगे तो निकलना बंद हो जाएंगे, और अगर मुहासों के दाग होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, लगा के आपको छोड़ देना है तब तक जब तक ये अच्छे तरीके से सूख ना जाए। तो हम वेट कर लेते हैं। पूरी तरीके से सूख चुका है, अब आपको इसको वॉश कर लेना है गुनगुने पानी से। गुनगुने पानी का मतलब ये नहीं कि पानी आप बॉयल करें, समर स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपके घर में भी टंकी में पानी ऊपर रहता है तो वो गुनगुना ही निकलता है अगर दोपहर को आप यूज़ करते हो, नहीं तो हल्के बिल्कुल गुनगुने पानी से लगा धोना है आपको। ठीक है, तो मैं इसे वॉश करके आपको देखिए मेरा फेस
मैंने वॉश कर लिया है। जब आप इसको वॉश करने जाएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसे रब करना है 2 मिनट के लिए, उसके बाद आपको फेस को क्लीन करना है। मतलब आप थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे रब कर देंगे, तो थोड़े से जो आपके वाइटेड्स और ब्लैकेट्स होते हैं, क्योंकि इसमें संतरे का छिलका है, तो आपके वाइटेड्स और ब्लैकेट्स को भी रिमूव कर देता है। बस इसके बाद आपको अपने फेस पे यूज़ करना है एलोवेरा जेल, या आप जो भी क्रीम यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लीजिए। अगर आप इसको रात में यूज़ करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है, नहीं तो आपको जब टाइम हो तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा फेस पैक, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।